वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेली मैं टू वीडियोस अपलोड करूंगा, एक फर्स्ट ईयर पीयूसी स्टूडेंट के लिए अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए, और एक बीकॉम स्टूडेंट के लिए जो भी प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट होते हैं एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। यानी कि पिछले जो भी सब्जेक्ट है उसका मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि अब एनईपी आने के बाद नए सब्जेक्ट से हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि फर्स्ट सेम हमने कम्प्लीट कर चुके हैं, एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या है, मतलब बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी के तहत ये हमको 5 चैप्टर दिया गया है पर बीकॉम के लिए कर्नाटक स्टेट के लिए, ठीक है। तो ये है सब्जेक्ट नेम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये तो सेम ही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किए हैं चैप्टर, जैसा कि हमने पिछले अगर सिलेबस देखेंगे तो चैप्टर थोड़े चेंज थे, यहाँ पे थोड़े बहुत सिलेबस के क्या चैप्टर्स क्या थोड़े बहुत चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए बीकॉम फर्स्ट का सेमेस्टर का सिलेबस आज बताऊंगा, इसके ऊपर मैंने कल से एक फर्स्ट चैप्टर से मैं इंट्रोडक्शन और प्रॉब्लम भी कराऊंगा आपको, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो दिया गया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नेम टफ है तो आप ये समझ सकेंगे कि नया चैप्टर है। जैसे कि हमने पिछले में जनरल टीच वगैरह किए थे, यहाँ पे वही बेसिक आता है, थोड़ा सा नाम चेंज हो चुका है, नेम चेंज हो चुका है, इसके लिए हरकत नहीं है। ये थोड़ा सा चैप्टर नेम थोड़ा अलग है, लेकिन इसका प्रोसीजर जो पिछले वीडियोस में हमने किए थे जनरेटिव, जो पहले सिलेबस जो फसल में जो चार चैप्टर इंट्रोडक्शन यही चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नेम चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमको अकाउंट्स के मीनिंग टाइप्स और रूल्स एंड रेगुलेशन और इसके ऊपर जनरेटिव करना होता है, ये चैप्टर से प्रॉब्लम कंपल्सरी पूछा जाएगा सेक्शन सी में, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर का भी पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि पहले का क्वेश्चन पेपर ए पे सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन था, जिसमें 2 मार्क्स 5 मार्क्स और 15 मार्क्स का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है, उसको हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। सेकंड चैप्टर जैसे दिया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्रेटर्स, ये चैप्टर पहले के ये क्योंकि हम रिजोल्यूशन से हम ये सोल प्रोप्रेटर करते थे, और यहाँ पे सेकंड चैप्टर दिया गया, ये चैप्टर को यहीं चेंज किया। नेक्स्ट है थर्ड चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट, ये भी गए बार अगर पिछले सिलेबस को देखेंगे तो कंसाइनमेंट भी अकाउंट था हमारा, इसको भी कोई रखा गया चैप्टर ही में है, लेकिन रॉयल्टी क्या हमको सेकंड सेम में था, लेकिन इस बार एनईपी के रूल्स के हिसाब से क्या ये फर्स्ट सेम में आ चुका है चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर क्या सेकंड सेम में पढ़ना था आपको, लेकिन फर्स्ट सेम में पढ़ना बस इतना ही चेंज है, लेकिन ये चैप्टर टोटली इजी चैप्टर, इसको कहते हैं रॉयल्टी अकाउंट। और फिर चैप्टर जो दिया गया इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग, इमर्जिंग ट्रेंड यानी कि मार्जिन, जैसे कि मार्च बोलते ना अमॉर्गमेशन, वो जो चैप्टर हमने सेकंड सेम में पढ़ रहे थे गए बार के सिलेबस में पिछले सिलेबस में, इस बार क्या फर्स्ट सेम में हमको पढ़ना होता है। ये मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि आपको 5 चैप्टर इस फर्स्ट सेम में आएंगे, जिसको आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है और एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास होना है, क्योंकि एनईपी रूल्स के हिसाब से एग्जाम थोड़े से स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। अब तक जितने एग्जाम चल रहे थे इस तरह से नहीं होंगे, बीकॉम को भी थोड़े स्ट्रिक्टली अलाउ किया जाएगा, क्योंकि ये भी बोर्ड की तरफ से आएगा, एनईपी के हिसाब से टोटली क्वेश्चन पेपर सेम आएगा, सिलेबस भी सेम होगा, ऑल यूनिवर्सिटीज का एक ही पैटर्न होगा, इसलिए कोई यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी का या नहीं है, हर यूनिवर्सिटी का एक ही पैटर्न होगा, कर्नाटक में यही सिलेबस बीकॉम के लिए होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस मालूम हो चुका है चैप्टर, इसके ऊपर मैं अगले वीडियो में कल से इसको मैं वीडियो बनाऊंगा और सिलेबस को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, इसके बाद हम सेकंड सेम में जाएंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए